हमने नया स्कूटर ये वाला लॉन्च किया है, इसको हम लेके आए हैं, और क्योंकि हमारा प्रो प्लस मॉडल जो है खूब सुपर हिट रहा तो हमने इसको नाम दिया है पिगास प्रो प्लस। पूरे इंडिया से लाखों कॉल्स आई मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है जी, उसके लिए स्पेशली आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी। आप देख रहे हैं पावर टॉक्स और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। लास्ट ईयर ईवी एक्सपो 2022 में आपने एक इलेक्ट्रिक एक्टिवा को बहुत ज्यादा पसंद किया था। राइड एशिया में भी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है। यस, हम आ चुके हैं ई नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉल पे, जहां वो आपके लिए लेकर आए हैं इस इलेक्ट्रिक एक्टिवा के अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ ई नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से मौजूद है मिस्टर स्वर्ण सर। सर वेलकम टू पावर टॉक्स, आपका बड़ा स्वागत है जी हमारे स्टॉल पे। सर लास्ट ईयर जब हमने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को कवर किया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था, उस पर आपका क्या कहना है? उसके लिए बड़ा थैंक यू आपका, पूरे इंडिया से लाखों कॉल्स आई मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया जी, उसके लिए स्पेशली आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी, उसके लिए स्पेशल थैंक्स आपका। सर अभी जो इलेक्ट्रिक एक्टिवा जो फेमस हुआ था, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी क्या अपग्रेडेशन आई है या फिर सेम ही है? हम उसमें दे रहे हैं, ये हमारा मॉडल है सुपर हिट मॉडल जा रहा है, पूरे इंडिया में हम सप्लाई दे रहे हैं। आफ्टर दैट उस एग्जीबिशन के बाद कम से कम 15 डीलर हमारे पास और जुड़े हैं, और जो रिटेल के तो लाखों कस्टमर्स की हमें कॉल्स जो हमें मिले हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा, तो इसलिए हमने इसको कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज हम ऐसे ही दे रहे हैं मार्केट में। तो एक बार हमारे कस्टमर दोबारा से जानना चाहेंगे मोटे मोटे फीचर्स क्या है, लाइक बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और रेंज। इसकी जो रेंज है वो तो पहले आपको बताया था कि बैटरी पे डिपेंड करती है, लेकिन हमने इसमें बैटरी का नया फीचर ऐड किया है। अभी जो बैटरी हमारी लिथियम की लगा रहे हैं वो हम स्मार्ट बीम इसमें लगा रहे हैं, उसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन में सारा कुछ देख सकते हैं कि उसमें पावर से कितने सेल चार्ज हो रहे हैं, क्या वोल्टेज है, कितने किलोमीटर चलेगी, उसका भी आपको मैं एक डेमो दूंगा मोबाइल पे। तो वो हमने नया एडिशन किया है इसमें जी। हाँ जी, और बैटरी और लाइक मोटर और कंट्रोलर जो है वो कितने वाट के? तो कंट्रोलर है वो दो बैटरी को सपोर्ट करता है, एक तो कुछ लोगों को लंबी रेंज चाहिए होती है और हाई पावर वो चाहिए होती है, तो 72 वोल्ट में हमारा ये कंट्रोलर है, 72 और 60 दोनों में है जी। अभी जो हम चल दे रहे हैं मोस्टली वो 60 का दे रहे हैं जी। हाँ जी, और अभी सर डीलरशिप जो है वो पूरे पैन इंडिया में आप लोग इसे डिलीवर कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे डीलर्स पैन इंडिया हैं और सभी रिटेल में भी दे रहे हैं हम, बाई कुरियर भेज रहे हैं, गति से दे रहे हैं हम, और डीलर को तो है ही है जो डीलर ने हमारा बनाया जी। सर अगर अभी लास्ट ईयर से मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने इसे परचेज किया होगा, इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो सर्विस के लिए वो कहाँ जाए? सर्विस के लिए ऐसा है कि प्रॉब्लम आती है देखो चलने में, मेन क्या होता है कई बार एक्सीडेंट में टूट गया तो हम उसके पार्ट प्रोवाइड करते हैं जी। और मैं जो स्पेशल एक अपने डीलर्स को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि काफ़ी सारा मार्केट में जो रिव्यू है लोगों का, अदर्स कंपनी की बात कर रहा हूँ कि वो पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आप जब भी मेरे से पार्ट्स मांगोगे मैं विद ब्रांड आपको पार्ट्स दूंगा, कहीं भी मेरा ब्रांड है वो विद ब्रांड ऐसी जो ब्रांड नेम के साथ मेरा पार्ट आएगा जी। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छी चीज़ है जो ईवी लेते हैं लोग, उनका ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा आप और क्या शोकेस कर रहे हैं राइड एशिया में? हमने नया स्कूटर ये वाला लॉन्च किया है, इसको हम लेके आए हैं, और क्योंकि हमारा प्रो प्लस मॉडल जो है खूब सुपर हिट रहा तो हमने इसको नाम दिया है पिगास प्रो प्लस, क्योंकि प्रो प्लस हमारे लिए वाकई बड़ा लकी है, तो ये स्कूटर है तो इसलिए पिगास प्रो प्लस इसको नाम दिया जी हमने। तो ये दोनों इसके टायर जो है 12 इंच के हैं, उसकी वजह से अच्छी हाइट हो जाती है इसकी, और ये भी 60 और 72 वोल्ट के कंट्रोलर में हम दे रहे हैं जी इसको। सर सबसे पहले लुक के बारे में बात करेंगे कि लुक कैसे सिलेक्ट किया आपने? लुक तो मैम ये है कि ना, जैसे आपको पता कि पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो पंजाब वाले थोड़ा बड़ा स्कूटर हर वेले मांगते हैं कि बड़े वाला चाहिए, तो उसी को देख के ये वाकई बड़े वाला है जी। उसने जो हमारा पिछला पिगास था उसको कवर इसने कर लिया जी, सारी की सारी सेल हमारी इस पे डिवर्ट हो रही है अभी जी। और
सर हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में, तो वो बताइए आप। डिस्प्ले सारा वही हमारा मल्टी कलर डिस्प्ले है इसका जी, स्पीड उस पर अच्छी आती है मतलब, और जो बैटरी का सिंक्रोनाइजेशन बड़ा अच्छा है इसमें जी, एक्यूरेट बिल्कुल, एक्यूरेसी मेन तो एक्यूरेसी की होती बात कि सब कुछ एक्यूरेट है इसमें। मोड्स कितने दिए हुए हैं सर इसमें? इसमें भी 3 मोड्स हैं जी। कौन से मोड्स? वही जो स्पीड का मोड फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो 3 मोड है जी। हाँ जी। इसके बारे में सर, जैसे यहाँ पे लेग रूम जो है वो काफी सही दिया हुआ है, तो ये फीमेल और मेल दोनों प्रोस्पेक्टिव के लिए अच्छा जी। इवन कुछ आ रही थी कि हमने तो सिलेंडर रखना होता ही, तो चाहे आप सिलेंडर रखो इसमें, जो मर्जी डिब्बे रखो, बहुत लेग स्पेस है इसमें जी। हाँ जी। और टोटल वेट क्या है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का? वेट तो जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा इंडियन का लॉ है, क्योंकि हम टोटली जो देते हैं एबीएस पार्ट देते हैं, उसी की वजह से ये लो वेट में होती है, तो वैसे भी ये जो है स्लो स्पीड में हम दे रहे हैं, तो इसका वेट 60 केजी है जी विद बैटरी। हाँ जी। और लोडिंग कैपेसिटी क्या है? 200 केजी जी, बिल्कुल। और अगर हम बात करें जैसे लो स्पीड है, तो रेंज क्या देती है और कितनी देर में चार्ज हो जाती है, बैटरी की क्या स्पेसिफिकेशन? बैटरी वही हमारी 60-72 की, जो मर्जी लगाओ इसमें जी, जो मोस्ट दे रहे हैं वो 60-34 की बैटरी दे रहे हैं हम इसमें जी, और उससे जो हमारी रेंज आ रही है वो 25 की स्पीड पे वो 3.95 किलोमीटर आ रही है जी। हाँ, 95 किलोमीटर हमारा चलता है स्कूटर जी। हाँ जी। और इसको चार्जिंग में कितना टाइम लग जाता है? सेम 4 आवर्स लगते हैं जी, 4-5 आवर्स, क्योंकि वो बैटरी की स्पेसिफिकेशन यही होती है कि 85 तो बड़ी फास्ट करेगी, उसके बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, तो 4.5 आवर में पूरा हो जाता है कंप्लीट ये प्रोसेस। और इसका चार्जर भी ऑटोकट रहता है, ओवरनाइट अगर आप इसको लगा के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब चार्ज फुल हो जाएगी तो ऑटोकट हो जाएगा इसका। सर मैं अपने कस्टमर को दिखाना चाहूंगी इसका बूट स्पेस एक बार। बूट स्पेस हम दिखा देते हैं, ये बूट स्पेस इसका बहुत बड़ा है जी, ये प्रॉपर से भी ज्यादा बड़ा है इसका बूट स्पेस। कितना लीटर होगा सर? ये 65 समथिंग है जी। और जो इसमें बैटरी यूज हुई है, एक बार हम बैटरी, ये लिथियम की बैटरी लगाई हमने इसमें, तो ये फिक्स बैटरी है। ये फिक्स बैटरी है, इसको हम कर सकते हैं अगर हम इसको अगर रिमूवेबल बैटरी में, वो भी हमारे पास ऑप्शन है इसकी। हाँ जी। तो हम इसे फिक्स बैटरी में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप डिटैचेबल बैटरी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। सर इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक्स कौन से दिए हुए हैं? हमने जो इसमें फ्रंट में दिया है जी, वो हमारा डिस्क ब्रेक है, और रियर में ड्रम ब्रेक दिया है, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्ट भी इफेक्टिव होती है कि दोनों अगर हम डिस्क देते हैं जी, तो वही उसको मार्केट में जो चल रहा है उसी के हिसाब से हम इसको ड्रम ब्रेक, रियर ड्रम दे रहे हैं और फ्रंट जो दे रहे हैं डिस्क दे रहे हैं। सर यहाँ पर सारे फीचर्स की बात हो गई, अब बात आती है कि प्राइस रेंज क्या होने वाला है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर? प्राइस की अगर बात करें तो, क्योंकि ये दोनों बैटरी में सपोर्टेड है, लेड बैटरी और लिथियम बैटरी में, तो जो हमारा प्राइस जाएगा वो 55,000-70,000 जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी की कस्टमाइजेशन है, तो हम अगर लेड लगाते हैं तो वही 55, और अगर लिथियम लगाते हैं तो 70,000 तक जाएगा प्राइस इसका जी। तो ये थे ई-नेक्स्ट के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो राइड एशिया में शोकेस किए गए हैं। आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।